नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीत कुमार उषा मेटल से। मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। जिस किसको भी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना हो या अपना बिजनेस सेटअप करने में हेल्प चाहिए हो तो मेरे से संपर्क कर सकते। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपके कोई सजेशंस हो तो आप मुझे मेल आईडी पे। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है लैब एनालिस्ट रिपोर्ट कैसे देखते हैं, कैसे समझा जाता है और उसकी क्या अहमियत है मेटल स्क्रैप बिजनेस में। इसके बारे में आपको डीप डिटेल दूंगा आज मैं कंप्लीट। अलग अलग मेटल्स के आपको लैब रिपोर्ट दिखाऊंगा, कैसे उसको एग्जामिन किया जाता है, कितना परसेंट उसमें क्या मटेरियल रहता है, फिर उसका रेटिंग कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इससे सारी बातें मैं आपको इसमें बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं आपको इसमें लाइव सैंपल रिपोर्ट्स कैसे एनालिस किया जाता है, किस तरीके की मशीनें इसमें इस्तेमाल किया जाता है। बिना लैब रिपोर्ट के आप किसी भी मेटल का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। लैब रिपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कोई भी डील करने से पहले, क्योंकि इसी लैब रिपोर्ट को देखते हुए मेटल्स की एक कीमत लगाई जाती है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं गौतम कुणाल करके, उन्हीं के डिमांड पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने पूछा था, उनका सवाल था लैब रिपोर्ट से रिलेटेड वीडियो डालिए, तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाया है। और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो कमेंट पर जरूर बताइए उन्हें किस टाइप का वीडियो चाहिए, मैं उनके लिए वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली मशीन है स्पेक्ट्रोमीटर टेस्टिंग मशीन। अब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बल्क में काम होता है, जहाँ पे बल्क में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है इनगोट्स की, रॉड्स की, वायर्स की, वहाँ पे ये मशीन को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी मशीन है XRF मशीन। ये पोर्टेबल होती है, ये एक से डेढ़ केजी की मशीन होती है बैटरी के साथ, और इसको ईजीली कैरी होती है मशीन। आप इसको कहीं भी ले आ सकते हैं। अगर आप बड़े स्क्रैप डीलर हैं या आपका बहुत बल्क में काम होता है तो आप इसको कैरी कर सकते हैं अपने साथ में तुरंत सैंपल बताने के लिए। क्योंकि अगर हम पहले कहीं स्क्रैप यार्ड में जाते हैं देखने के लिए, वहाँ माल देखते टाइम अगर हमारे पास ये वाली मशीन होगी तो हम तत्काल बता सकते हैं कि किस टाइप का मटेरियल है और उसको कैसे रेटिंग करना है, क्योंकि उसकी प्योरिटी मेटल्स की प्योरिटी के हिसाब से उसकी रेटिंग की जाती है। 91 का अलग रेट होता है, 91 की परसेंट की रेट अलग होता है, 98 का अलग होता है, 90% का अलग होता है। तो इसी मशीन का इस्तेमाल करके हम तत्काल पता कर सकते हैं मेटल की कितनी प्योरिटी है। ये मार्केट में 2 लाख से लेकर 12 लाख 25 लाख तक की ये पोर्टेबल मशीन आती है, इसको XRF मशीन भी कहा जाता है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें सॉफ्टवेयर डलवा के आप इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, SGS रिपोर्ट के बारे में आपको बताऊंगा। आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी सुना होगा कि मेटल स्क्रैप मंगाने से पहले SGS रिपोर्ट कराना पड़ता है, लैब रिपोर्ट कराना पड़ता है। तो यही रिपोर्ट होती है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम ये DGFT वाले करते हैं। तो SGS रिपोर्ट, ये हमारा सैंपल है एक। इस रिपोर्ट में आपको सब दिखेगा, कैडमियम, लेड, मरकरी और दूसरे अदर मेटल्स हैं वो कितनी परसेंट का है, ठीक है। इसमें बेरिलियम कॉपर का एक सैंपल लिया गया है, जो पोर्ट पर माल आया है उसकी कंप्लीट डिटेल होती है इसमें, जैसे कि सैम्पलिंग कैसे करते हैं ये लोग, सैम्पलिंग का पूरा प्रोसेस होता है, किस सैम्पलिंग मेथड से किया गया है। और ये सैंपल होता है जो आपके सामने है, ये पूरा ये कॉपर का सैंपल है जिसको लिया गया था। तो इस तरह से इसकी सैंपलिंग की जाती है, तो इसी को SGS रिपोर्ट कहा जाता है। जनरली लोग फर्जी SGS रिपोर्ट एक दूसरे को बेचते रहते हैं एडिट कर करके। और ये जब माल अगर पोर्ट पर आया है तो पोर्ट पर, ये गुजरात के पोर्ट पे माल आया है तो गवर्नमेंट ने उसको खुद उसका रिपोर्ट बनाया है। ये उसका सैंपल है, कॉपर का माल है 96.80% का। गवर्नमेंट ने जब पोर्ट पे माल आया उसका सैंपल में देखिए डायमेंशन उसका सैंपल का कितना है, LME स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वेट कितना है उसका सैंपल का, जो सैम्पलिंग लिया गया है ये नेट ऑफ ईच प्लेट्स 2 kg का है। ग्रॉस वेट कंटेनर का 22.2 मेट्रिक टन है और नेट वेट 20 मेट्रिक टन है। और ये सैंपल पिक्स है जिसका सैंपलिंग हुआ है। इस तरह से वो सैंपलिंग किया जाता है इंपोर्ट के टाइम पे। अब ये निकल है, जो निकल मेटल्स होता है उसका लैब रिपोर्ट है, जिसमें निकल 99.90% कोबोल्ट, कॉपर, कार्बन, आयरन, सल्फर, इस टाइप के अदर जो मेटल्स हैं कितनी परसेंट का उसमें रहता है, ये निकल मेटल का है 99.80% का। आप कोई भी मेटल परचेस करते हैं तो आपको इसको सैंपलिंग जरूर कराना पड़ता है। बिना सैंपलिंग के कभी पता नहीं कर सकते कि वो कौन सा मेटल है। चाहे कितना भी बड़ा स्क्रैप डीलर हो, उसे मेटल सैंपलिंग रिपोर्ट कराना ही पड़ता है, उसके बाद ही पता चलता है कि उसकी असली कीमत क्या है। अब दोस्तों, लाइव डेमो करके आपको दिखाएंगे कि एल्युमिनियम इनगोट का परसेंट कैसे निकाला जाता है। ये XRF मशीन है जिसको इनगोट पे लगा के फिर उसका परसेंटेज देखा जाता है।
ये इस तरीके से इसकी परसेंटेज आ जाती है, टोटल कितना 97.46%, 61, ये हमेशा चेंज, जब तक तो फाइनल रिपोर्ट नहीं आता तो चेंज, ये इसमें फाइनल रिपोर्ट 97.60% आई है एल्युमिनियम इनगोट का, ये फाइनल रिपोर्ट है इसकी। अब दोस्तों एल्युमिनियम स्क्रैप है, ये एल्युमिनियम केबल्स हैं, एल्युमिनियम अलॉय व्हील्स हैं, ये एल्युमिनियम 6063 एक्सट्रूशन प्रोफाइल्स प्रोफाइल कटिंग्स है ये, इसका ये सैम्पल रिपोर्ट्स हैं जिसमें 97.22% इसमें सैम्पलिंग रिपोर्ट है इसकी, जिसमें एल्युमिनियम की प्योरिटी 97.22 है, जिसमें अदर मेटल्स भी देख लिए, सिलिकॉन कितना है 1.22 और आयरन कॉपर मैगनीज क्रोमियम निकल जिंक टिन, ये हर तरह का मेटल्स में आप देख सकते हैं अदर, ये एक सैम्पल है जिसमें जो एल्युमिनियम की जो प्योरिटी है 90.05 है और जिसमें जिंक 5.72 और सिलिकॉन इसमें कम है। तो इस तरह से अलग अलग मेटल्स के अलग अलग सैम्पलिंग किया जाता है एल्युमिनियम के भी, क्योंकि एल्युमिनियम दिखता वाइट है, निकल भी वाइट दिखता है और अदर मेटल जो हैं जो वाइट दिखते हैं वो सेम टू सेम लगते हैं, तो पता कैसे चलेगा, वो सैम्पलिंग के थ्रू पर चलेगा। ये एक सैम्पल रिपोर्ट है बारबेक्यूट एल्युमिनियम कंप्रेस्ड का, जिसमें उसकी एल्युमिनियम की परसेंटेज है 86.60 और सिलिकॉन की है 12.50, इसी प्रकार से अदर मेटल्स भी इसमें इंक्लूडिंग है। अब ये सैम्पल है हमारा जो एल्युमिनियम प्रोफाइल कटिंग्स और वायर स्क्रैप का 99% है इसका, जिसमें अदर मेटल्स भी आप देख सकते हैं। इसको स्टॉप करके आप आराम से इसका कंप्लीट देख सकते हैं सैम्पल रिपोर्ट। ये एल्युमिनियम इनगोट का है 91.7% का माल का, उसमें कितने कौन कौन से मेटल कितनी कितनी परसेंट का है आप इसको नीचे देख सकते हैं। अब दोस्तों लाइव दिखाते हैं कि किस तरह से इसको किया जाता है। इस तरीके से इसको लगाया जाता है मेटल्स के ऊपर और फिर मेटल का इसमें कंप्लीट डिटेल आती है। इसमें जो आयरन है 71.81 है और क्रोमियम 19.001 है, निकल इसमें 7.83 है, मैग्नीज 0.99 है, इसी प्रकार से इसमें अदर मेटल्स भी इंक्लूडिंग है। ये सैंपल है जो लाइव करके आपको दिखा रहे हैं डेमो। ऐसी इस प्रकार की मशीनें आप ले लें ताकि अगर आपको बहुत बल्क में डील करना हो, ये फ्यूचर में करना हो, तभी ये मशीन लेना। अगर आप सिर्फ इस तरह से काम करना चाहते हो, ट्रायल करना चाहते हो स्क्रैप मेटल बिजनेस में, तो इन मशीनों में आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना, नुकसान होगा। आप आयरन पे आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको लाइव करके दिखाया डेमो आयरन स्क्रैप का सैम्पलिंग का, उसी प्रकार से आयरन के ये कुछ सैंपल्स हैं स्क्रैप के, हैवी है लाइट है और पाइप कटिंग्स हैं और एक आयरन का टुकड़ा है जो स्क्रैप में सैंपलिंग के लिए फैक्ट्री में जाता है। तो पूरा एक आयरन का बंडल तो नहीं ले सकते, कुछ 10-20 ग्राम का लिया जाता है, उसमें आयरन में 66.51% का आयरन का ये स्क्रैप का टुकड़े का लिया गया है। ये दूसरा का सैंपल है जिसमें दूसरा सैंपल लिया गया, इसमें आयरन की जो की है 92.65 है और दूसरा ये आयरन का एक है इसमें 96.91% लिया गया है, जिसका सैंपल वेट है 59.870। ये एक प्रोफाइल कटिंग होती है आयरन की जो ढलाई के टाइम काटी जाती है, उसका एक सैंपल है, इसमें 98.91 आयरन है इसमें। अब दोस्तों ब्रास का एक सैंपल है जिसमें ब्रास बिलेट्स एंड इनगोट्स का एक सैंपल ले रखा है, उसका मैं बताऊंगा लैब रिपोर्ट कैसा है, जिसमें कॉपर 57 है, लेड 2.5 है, जिंक रिमेनिंग है, अदर जो मेटल्स है वो भी आप देख सकते हैं। अब ये पूरा डिटेल है कि भाई कितना डायमेंशन है, डायमीटर है, शेप है, पैकेजिंग रेट, और ये सैंपलिंग के पिक्स हैं जो सैंपल इन्होंने निकाला है। ये ब्रास बिलेट्स हैं और ये ब्रास इनगोट्स हैं, ये बाहर से इंपोर्ट किया हुआ माल है, उसकी डिटेल है पूरी ये। दोस्तों अब कॉपर इनगोट और स्क्रैप का मैं आपको बताऊंगा कि लैब रिपोर्ट कैसा होता है। जिस पे भी आपको सैंपल लेना होता है उसको इस तरह से लगाया जाता है सैंपल के ऊपर, जैसे कॉपर इनगोट है, ये हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, ये कॉपर इनगोट है, उसका सैंपलिंग किया जा रहा है। सैंपलिंग करके उसमें पूरी रिपोर्ट आ जाती है लाइव, तुरंत की तुरंत आपको रिपोर्ट मिल जाती है कॉपर में कितना परसेंट माल है। ये कॉपर का हीट सिंक है जो कंप्यूटर से रिकवर हुआ है, कॉपर के ट्यूब्स हो गए कटिंग होते हैं जो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं पाइप, वहाँ से कटिंग निकलता है। ये कॉपर मिल बैरी है, कॉपर बैरी ब्राइट है, ये शाइनी ब्राइट है, ट्यूब्स हैं। इसी प्रकार से कई टाइप का कॉपर स्क्रैप जो आता है उसके अलग अलग परसेंटेज होता है, उसमें कोई 98 का होता है, कोई 99 का होता है, कोई 97 का होता है, कोई 80 का होता है। ये आपके सामने स्क्रीन पे एक सैंपल है जिसकी प्योरिटी है कॉपर की 98.98 की, ये दूसरा सैंपल है जिसमें कॉपर की प्योरिटी है 80.76 की, इसमें 17% टिन है, ये सॉफ्ट नेचर का माल है। तो दोस्तों इसी प्रकार से कॉपर की भी इसी पूरे डिटेल इसी प्रकार से सैंपलिंग किया जाता है और हम इसके रेट सैंपल लगा देख कर ही रेट लगा सकते हैं स्क्रैप का।
तो दोस्तों आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा लैब रिपोर्ट्स के कैसे देखा जाता है, कैसे निकाली जाती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बता चुका हूँ। अब आपको इसमें और भी कोई हेल्प चाहिए हो, जैसे कि बैटरी रिसाइकिलिंग, ई वेस्ट रिसाइकिलिंग, किसी प्रकार का आपको रिसाइकिलिंग इंडस्ट्री आपको स्टार्ट करनी हो, आयरन स्क्रैप, एल्युमिनियम स्क्रैप, कॉपर स्क्रैप, कि आपको बिजनेस की पूरी जानकारी लेनी हो, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं कंसल्टेंसी, मेरी पेड कंसल्टेंसी देता हूं आपको, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ प्रैक्टिकल बिजनेस भी सिखाता हूं और एक साल के अंदर मैं आपका बिज़नेस स्टार्ट करने में पूरी हेल्प कर दूंगा। ये वो कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जिसको दो महीने में आपको कोर्स करा के आपको करा दिया जाए। ये बिज़नेस लॉन्ग टर्म का है, धीरे धीरे ये ग्रो करता है। तो आप जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपको पूरा गाइड भी करते हैं और मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपकी कैसी लगी, और इसी तरीके से और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, तो उसी टॉपिक में मैं वीडियो बना दूंगा और ज़्यादा डीप डिटेल में मैं कंसल्टेंसी में बताता हूँ। और दोस्तों आपके कोई सजेशंस हो तो मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एड्रेस भी दे रखा है ऑफिस का मैंने। आपको कोई भी क्वेरी हो, इंक्वायरी हो, आप ईमेल पे कीजिए, वेबसाइट पे जाइए, मेरा जीएसटी नंबर तक डला हुआ है वेबसाइट पे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।